नैनीताल की खूबसूरत वादियाँ पर्यटन के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में जानी जाती हैं। यहाँ कई तरह के बने हुए होटल्स, कॉटेज और होम स्टे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब जिले के कई पर्यटन स्थलों में मिट्टी के घर और कॉटेज भी बनने जा रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र तो होंगे ही, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी इको फ्रेंडली साबित होंगे। ईंट, सरिया और कंक्रीट से बने होम स्टे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन पूरी तरह मिट्टी से निर्मित होम स्टे शायद ही पर्वतीय जिलों में देखे हों। मिट्टी के घरों को एक अलग आर्किटेक्चर के साथ तैयार किया जाता है, जिससे इसमें गर्मी, बारिश और बर्फ का कोई असर नहीं होता। यह घर प्राकृतिक संसाधनों की मदद से बनाए जाते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर दूर मेहरोड़ा गांव में गीली मिट्टी फार्म की तरफ से मिट्टी के घर बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने सामाजिक संस्था गीली मिट्टी के साथ अनुबंध कर 100% गांव की मिट्टी से निर्मित इको फ्रेंडली होम स्टे बनवाने का फैसला लिया है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 गांवों को गोद लिया जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि नैनीताल के समीप पंगूट गांव में संस्था गीली मिट्टी ऐसे इको फ्रेंडली होम स्टे तैयार कर रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने गांव में सामुदायिक पर्यटन को बढ़ाने और रोजगार सृजन की दृष्टि से संस्था के साथ अनुबंध किया है। इससे जहां एक ओर कुमाऊं की स्थानीय वास्तुकला और संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा सकेगा, वहीं सामुदायिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इको फ्रेंडली होम स्टे की लागत बहुत कम आती है। 4 से 5 लाख रुपए में 3-4 कमरों का होम स्टे बन जाता है। इसे बनाने में मिट्टी के अलावा घास, फूस, गोबर और लकड़ी आदि का प्रयोग होता है। यह पूरी तरह सुरक्षित और खासा मजबूत होता है। उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना प्रदेश में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। सामाजिक संस्था गीली मिट्टी की ओर से किए जाने वाले निर्माण कार्य में तराई के भट्टों से आने वाली लाल ईंटों का उपयोग नहीं होता है। संस्था पंगूट गांव में ही वहां की मिट्टी से ईंटें तैयार कर रही है। यह देखने में हूबहू ईंटों की तरह है, बस रंग का अंतर है। जिलाधिकारी ने बताया कि गांव में सामुदायिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए संस्था से अनुबंध हुआ है। जल्दी 5 गांवों का चयन कर उन्हें गोद लिया जाएगा, जहां इको फ्रेंडली होम स्टे बनवाकर ग्रामीण समूहों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में हर ब्लॉक में 10 से 15 गांवों में इस तरह के होम स्टे बनाते हुए इसे उद्यान, कृषि, पशुपालन आदि से भी जोड़ा जाएगा। इसमें देखिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में खासकर हम लोग गांव के गांव टेकअप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक गांव में हम एक ही स्ट्रक्चर बना के चलेंगे और एक व्यक्ति के लिए बनाएंगे। तो उसमें हम लोग इस बार से एक पूरे गांव को टेकअप कर रहे हैं। तो प्रथम चरण में लगभग 5 गांव को हम लोग टेकअप कर रहे हैं, जिसमें पंगोड, मुक्तेश्वर, धारी, ओखलकांडा इस साइड के गाँव होंगे। और जो उसमें निर्माण में जो धनराशि का खर्च है वो काफ़ी कम है। एक तो इको फ्रेंडली है और बड़ी जल्दी आपका बन जाता है। गर्मी के समय में ठंडा रहेगा और जाड़ों के समय में गर्म रहेगा। और साथ में जिस फाउंडेशन से हम लोगों ने MOU किया है, उसका नाम है गीली मिट्टी फाउंडेशन, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम लोगों ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि निर्माण कार्य वो करवाएंगे उनके एक्सपर्ट्स की मदद से। और जो फॉरवर्ड लिंकेज जिसकी बात हम करते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट कैसे आएंगे, तो ये लोग वेल कनेक्टेड हैं और अच्छे टूरिस्ट जिनको ग्रामीण माहौल पसंद आता है, इको फ्रेंडली घर जिनको पसंद आते हैं, ऐसे टूरिस्टों को वो लाएंगे। और साथ ही साथ इस टूरिज़्म के व्यवसाय को और गति देने के लिए कि केवल टूरिज़्म के समय में या फिर आप 2-3 माह का समय पर्याप्त न हो, से ज़्यादा भी उनको रोज़गार मिले, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच तो है ही, साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच हम उसमें डाल रहे हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज़ भी होगी, आपकी एग्रीकल्चर भी एक्टिविटीज़ होगी, मौन पालन भी होगा, फिशरीज की एक्टिविटीज़ होगी, ताकि उनको साल भर रोज़गार मिले। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट साबित होगा। और फ्यूचर में जब द्वितीय चरण हमारा स्टार्ट होगा, तो उसमें हम ब्लॉक्स को टेकअप करेंगे। हर ब्लॉक्स में 20-25 गांव को टेकअप करेंगे।